प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छठे रोजगार मेले में 71,126 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। यह कार्यक्रम 20 से भी ज़्यादा राज्यों में करीब 43 जगहों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। पीएम ने कहा था कि हमारा लक्ष्य है कि देश के युवाओं को 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियां मिले। पीएम पिछले 8 महीने के दौरान 6 मेलों में अब तक 4,33,000 से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में जिन युवाओं को नौकरी मिली है, अगले 25 साल में इन लोगों को विकसित भारत के सपने को साकार करना है। प्रधानमंत्री ने इशारों में विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक तरफ परिवारवादी, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार करने वाली और देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां हैं। उनका रास्ता है रेड कार्ड, जबकि हम युवाओं के भविष्य को सेफ गार्ड करने का काम कर रहे हैं। रेड कार्ड आपके सपनों को चूर चूर कर देते हैं, जबकि हम आपके संकल्पों को साकार करने में लगे हैं। आपकी और आपके परिवार की सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं को सेफ गार्ड करने में लगे हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।